हाँ जी दोस्तों जी किवें हो, स्वागत है अज्ज दी अपनी नवी वीडियो दे विच। ते अज्ज दी वीडियो किहड़े ट्रैक्टर बारे वे, ओह तुहानू वीडियो च देख के पता लग ही गया। 5405 CRDI इंजन एसी कैबिन विद कंपनी फिटिड। ते मैं तुहानू वीडियो स्टार्ट करन तों पहले एक गल दस देना चाहुंदा वी इह सारे इंडिया दे विच जॉन डीयर कंपनी वल्लों जिहड़े ट्रैक्टर बणे ने, तीन ट्रैक्टर ही आए ने जिहदे च 2 5405 ते 1 5075 CRDI इंजन दे विच एसी कैबिन दे विच आए ने। ते इह ट्रैक्टर पहला ट्रैक्टर है जिहड़ा हरियाणे दे विच खरीदिया गया, जिहड़ा मतलब कंपनी वल्लों जिहड़ा सारा टोटली ओरिजिनल है, जिहदा कैबिन वगैरह कुछ भी बाहरों नहीं लगा होया। तो आओ फिर ट्रैक्टर के ओनर नाल गल करने आ, ते कित्थों परचेज किया, किन्ने टाइम च उन्हां नूं इह मिलिया, ते किवें दा उन्हां दा एक्सपीरियंस रहा, इस ट्रैक्टर का किन्ना टाइम किन्ने क दिन पहला उन्होंने ये लैके आंदा है। तो आओ फिर अपने नाल ने ओनर इन्हां दे गल करने। सत श्रीकाल भाजी। सत श्रीकाल वीर जी, मुबारकां जी तुहानूं बहुत बहुत तुहाडे नवें ट्रैक्टर दियां। मेहरबानी जी बहुत। एक बार अपने पिंड दा नाम ते अपना नाम जरूर दसो जी। हाँ जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह धालीवाल, पिंड मेरा खरेंडवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, ब्लॉक शाहबाद, हरियाणा। तो किवें दा मतलब ला लो भी तुसीं भी क्यों एक 5405 ही क्यों पसंद किया जॉन डीयर दा, जिवें होर भी ट्रैक्टर ला लो भी कंपनियां दे हुंदे ने, एसी कैबिन च भी आ कुछ भी ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ 63 HP 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਂਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਾਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਨਾਲ ਖੰਡ ਵੀ ਵਾਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਰੱਬੇ ਵੀ ਵਾਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ तो पहला मैं दूजा ट्रैक्टर बगैर एसी कैबिन तो 5210 लेने की सोच रहा सी, ते उते एसी कैबिन लवाने की सोचता पिया सी बाहरों। ठीक ठीक। तो मैं एक दो मित्र को इतने ट्रैक्टर हैगा, वह देख के आया, एसी कैबिन मेरे पसंद नहीं आया। ठीक है। मतलब भी बाहर आप खर्चा भी ला लेने हैं, तो वो गल भी नहीं बनती। हाँ जी हाँ जी, उते खर्चा भी काफ़ी है, तो डस्ट बड़ी जाती है, दूजा कंपनी कंपनी है। बिल्कुल कंपनी दी आपां। हाँ जी। नंबर 2 गल देखो, CRDI इंजन से ट्रैक्टर। ठीक है जी। सबसे बड़ी गल तो यही है भी CRDI इंजन से ट्रैक्टर आ गए हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम तो सारे ट्रैक्टर CRDI हो जाने। बिल्कुल हो जाने। हाँ जी, ये 5405 फर्स्ट आया हूँ CRDI च, तो बड़ा सोहना लगे मैं ट्रैक्टर, इस करके मैं। कितने दिन पहले डिलीवरी ली इस ट्रैक्टर की? ये ली 4-5 दिन हो गए जी, लई करीब अज कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज नहीं है ट्रैक्टर अंदर बिलकुल भी। कटाई बहुत वधिया है, छोटी रस्ते नूं भी आपां लैके जा सकदे आं। ते दोस्तो ये आपां जिवें इन्हां दे मालक नाल गल कीती है, बड़ा सोहणा इन्हां ने दस्सिया, ते आओ हुण तुहानूं एक वारी एसी कैबिन दी फिटिंग सारी ट्रैक्टर दी बाहरों भी अंदरों भी, ते किवें इहदे कंप्रेशर वगैरह दी फिटिंग सारी टोटल तुहानूं इहदे बारे आपां डिटेल्स देवांगे, ते आओ फिर करदे आं गल। हाँ जी। ते हुण आपां जिवें लुक वगैरह की गल करिए, तो लुक भी 5405 की CRDI इंजन की बड़ी ज़्यादा सोहनी बनाई है, सामने क्रोम की बैचिंग के नाल जिहड़े हैडलैम्प अपने LED आ जाते हैं, बड़े ही ज़्यादा सोहने लगते हैं। ये होर कंपनियां ने चलो थोड़ी बहुत कॉपी करन की कोशिश तो की है, पर जॉन डीयर की रीस हले तक किसी कंपनी तो ना ही हुई है, तो ना ही होनी है। सामने की लुक वे तुम देख सकते हो भी बहुत ज़्यादा सोहनी लगती है, जिवें बाकी 63 HP के ट्रैक्टर है। बाकी मैं इहदा सारा रिव्यू जिहड़ा CRDI इंजन दा पहला कीता होया, तुसीं मेरे चैनल ते ओह वीडियो देख सकदे हो। ते हुण अज दी अपनी इहदी वीडियो सिर्फ एसी कैबिन ते ही होएगी, होर कोई गल आपां इहदे च नहीं करांगे, ते आओ तुहानूं एसी दी इक वारी फिटिंग दिखा दिंदे आ। सब तो पहला आपां बाहरों ही शुरू करने आ एसी दी फिटिंग तो, कंप्रैशर कंडेंसर। जे आपां कंप्रैशर की गल करिए, तो कंप्रैशर की फिटिंग तुसीं देख सकते हो भी कंपनी ने किन्ने ज़्यादा सोहने तरीके दे नाल कीती होई है। जिहड़ी उहदी क्लच सिस्टम हुंदा अगे, जिहनूं आपां पुली भी कह दिंदे आ, उहदे उपर भी सेफ्टी कवर ला के दिता होया, तो फिटिंग कंपनी की फिटिंग कंपनी की ही हुंदी है, कोई बाहर दे मिस्त्री चाहे लख जोर ला लैणे तां जो मतलब इहदा मुकाबला नहीं कर सकदे। सामने आपां नूं कंडेंसर की फिटिंग मिल जाती है,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਓਇਲ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਏ ਸੀ ਐੱਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਸੀ ਐੱਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋਨ ਡੀਅਰ 5405 ਏ ਸੀ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੋਡੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਏ ਸੀ ਕੈਬਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਹੈ ਡੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਬਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਪਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਓਲਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੇਸ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਟੈਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਡਬਲ ਡੋਰ ਏ ਸੀ ਕੈਬੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਰਗਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਗਾੜ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਗਾੜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰਗਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ 5405 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਮਰਗਾੜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ 5405 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਡੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਨੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਪਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਂਕੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਨ ਡੀਅਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਟਰੈਕਟਰ। ਏ ਸੀ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਬਿਨ ਇੱਥੇ ਮੋਂਟਿੰਗ ਰਬੜਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਰਗਾਡਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਰਗਾਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਬਿਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਰਗਾਡਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੈਬਿਨ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਨ ਡੀਅਰ ਨੇ ਏ ਸੀ ਕੈਬਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਬਿਨ 'ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਿਨ ਜੋਨ ਡੀਅਰ ਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏ ਸੀ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋਨ ਡੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨ ਡੀਅਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਲੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨ ਡੀਅਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਏ ਸੀ ਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੋਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਡਬਲ ਡੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਬਲ ਡੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਈਏ ਚਾਹੇ 3 ਲਾ ਲਈਏ 4 ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ,
तुम दोबारा ओपन करके दिखाना, देखे जी कितनी ज़्यादा स्मूथनैस। ये देखो हूँ भी बिल्कुल एन आराम दे नाल ओपन हो गया। मैं पिछे कोई इंप्लीमेंट वगैरह अटैच करा दिया तो उन्होंने कुछ कहना है तो आवाज़ मारनी वो काफ़ी ज़्यादा वधिया। तो साइड की जी आप गल करिए साइड के उपर जिमें इतने ग्लास होल्डर मिल जाता अपन ग्लास रखने लिए, तो नाल कोई आप मोबाइल वगैरह रखना मोबाइल चार्जर 12 वाट का ये आप मिल जाता। इधर ये आ जाते हैं लिफ्ट वाले लीवर वेखो बिल्कुल ही जी मतलब सारा है ही फोरन का ट्रैक्टर भी एवं लगता जिम्मे बहर का ट्रैक्टर अपना इंडिया से लाया जाता हो। इतने लिफ्ट वाला जो ऑपरेटर वाले दोवें लीवर आ जाते हैं नाल ये जिमें फोर वाल डिस्ट्रीब्यूटर आता ये तो दो लीवर लगे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर के तो लोग के नाल आते हैं जिमें इधर आप कर देंगे तो लोग हो जाएंगे लीवर मतलब भी इन्हों कोई हाथ वगैरह लग के काम ना कर पर देंगे तो ये ओपरेट आप कर सकते हैं। तो हुण गल करते आप हाथ वाली रेस की, हाथ वाली रेस वेखो जिन्हों आप एक्सलेटर कह दें बड़ी सोहनी बनाई हुई इतों आप ओपरेट कर सकते हैं भी कितना वधिया तरीका मतलब कितने वधिया तरीके जॉन डीयर ने ला के दी हुई है। साइड से आप गेयर की जी नोब है वह भी टोटली चेंज मिलती है आम ट्रैक्टर के नालों कि सोहनी बनाई हुई वह भी तो हाईलो मीड जे ए बी सी डी वाले गेयर होंगे ने जॉन डीयर के वह भी अपन एक साइड तो मिल जाते हैं। तो जो हूँ आप मीटर की गल करिए तो मीटर के ऑप्शन मिलते हैं अपन मीटर की लुक है जी 54.5 CID इंजन नाल दी सेम है पर जिहड़ा साइड वाला सिस्टम है वह टोटली चेंज है। ये अपना वैपर वाला बटन मिल जाता है ये इंडीकेटर का आ जाता है ये अपन मीटर के जिमें ट्रिप वगैरह जो भी होंगे ये सिस्टम आता रीसैट करने लिए पार्किंग वाला बटन इधर अपन मिल जाता है। तो इधर ये दो मोड आ जाते हैं जिमें CID इंजन के ट्रैक्टर इको मोड तो स्टैंडर्ड मोड जिमें आप वाई के इंप्लीमेंट पिछे को व्डा पाया हो तो स्टैंडर्ड चलेगा जो नॉर्मल सड़क पर लेके जाने तो इको दे चलेगा होरन का बटन नीचे आ जाता है। तो इधर बैकलाइट का जोड़ा वो आ जाता है तो कैबिन के बाहर जिमें लाइटा वगैरह भी लगिया हुई वो भी तुम्हें दिखावे इधर अपना हैडलैंप वाला सिस्टम आ जाता है। तो टिल्ट स्टेयरिंग नाल हों जिमें टिल्ट भी है तो टैलीस्कोप भी है मैं तुम्हें दोवें करके दिखावगा ये तुम देख सकते हल्का जहाँ प्रेस किया तो इनू उपर तो जिमें आप उपर चक लिया थोड़ा जहा तो इन उपर नीचे जिमें मतलब अपने अकॉर्डिंग इनू आप एडजस्ट कर सकते हैं जिमें भी अपना चॉइस हो ड्राइवर की। सीट की गल करिए तो सीट भी सस्पेंशन वाली सीट आती जिमें अपने अकॉर्डिंग मतलब जिन्ना वे बंदे का वेट है उस हिसाब नाल ये एडजस्ट हो जाएगी। सीट के साइड पर ऑप्शन मिल जाता है अगे पिछे करने वाला जिमें हल्का जहा चक्या बड़े आसान तरीके कर सकते हैं। तो बैक वास्ते भी अपन एडजस्टमेंट वाला सिस्टम मिल जाता आर्म रैसट के नाल सीट आती एसी कैबिन के आप जिमें मर्जी अगे पिछे कर सकते हैं बड़े आसान तरीके। तो लैफ्ट हैंड साइड कप होल्डर भी मिल जाता मोबाइल वगैरह रखने एक स्पेस मिल जाता है। तो PTO का जो क्लच इंडिपेंडेंट लीवर वह भी अपन मिल जाता ये क्लच ब्रेक सामने ही आ जाते हैं पैडल। तो हूँ इनू एक बार स्टार्ट करके भी देखते हैं तो AC है तो थोड़ा जहा ऑन करके भी देखा भी किमें की कूलिंग है अंदर वाइब्रेशन वगैरह कितनी क्यों इधर आप जिम्मे अगे सामने तो धुप वगैरह रोकने लिए एक मिल जाता ऑप्शन। तो हूँ ये एक बार डोर बंद कर लिए अपना तो इन स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्टिंग वाइब्रेशन किमें की अंदर आँदी है या कूलिंग किमें की तुम दसने वो बारे डिटेल देने सर। लो जी ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया तो कैबिन के बैठे हाँ पता भी नहीं लगा भी ट्रैक्टर ने कोई बिल्कुल भी मतलब हल्की फुल्की वाइब्रेशन भी नहीं ये अपन फील हुई। तो स्पेस की गल करिए तो स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है जिमें प्लेटफॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा खुला बनया हुआ है। हुण जिवें इहदे बलोर चलते पे ने जे सिर्फ सैकेंड पॉइंट आपां इहनूं कर दिंदे सारे इन्हां नूं ओपन कर लैंदे एक वारी ते इहदा AC जिहड़ा आपां हुण ऑन करता कोई भी मतलब कोई RPM नहीं ड्रॉप AC चलन तो बाद ते काफ़ी ज़्यादा मतलब नालों लो कूलिंग भी बड़ी सोहनी आ रही है हुण इस टाइम दे कैबिन दे विच जिवें जे सिर्फ कुछ सैकेंड ही होए ने चलने नूं ते पूरी एन बिल्कुल सोहनी कूलिंग मारदा पिया। तो बस मेरे हिसाब न एक अद्धे मिनट के ही इन्हें फुल कूलिंग कर देनी AC कैबिन के हूँ जिमें आप मतलब एक्सलेटर भी दिता है ट्रैक्टर तो बिल्कुल मतलब हम 2200 चक्कर हो गए ने अंदर साउंड ही नहीं कोई फील ही नहीं आती मतलब बाहर का लाउड कुछ भी अंदर कुछ भी फील नहीं आ दिया बिल्कुल भी कंपनी की रीस बाहर के बंदे नहीं कर सकते चाहे वह जिन्ना मर्जी जोर ला लैन फिर भी वो कोशिश बहुत करते हैं पर कंपनी की जी कॉपी है वो कोई नहीं कर सकता वो गल नहीं बनती। तो मैं एक बार उपर उठ के भी थानूँ ए जरा स्टेयरिंग उपर कर ला तो सारा मैं थोड़ा व्यू दिखाना वा दोबारा तो AC कैबिन का जिमें एक साइड से अपना जोड़ा सारे कंट्रोल्स आ गए प्लेटफॉर्म आ गया
ये अपनी सीट आ गई, इस साइड के कंट्रोल्स आ गए जेड़े, तो जिमें मैं खड़ा वा नॉर्मल तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं। सीट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जिमें हाथ नाल भी दब लीए तो बड़ी आसानी नाल दबी जाती है। हाँ जी दोस्तों, तो हुण थोड़ा जिहा ड्राइव करके वेखने आ भी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस किवें हुंदा इस कैबिन का 54.05 का। तो जिमें हुण आपां इहनू एकदम ही मैं जिमें पहले गेयर तो तीजे च पाता, फिर भी कैबिन दे विच कोई भी वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कूलिंग भी बड़ी जबरदस्त है। साइड वेखण लई दोनों साइड दे आपां नूं इहदे विच जिहड़े अपना साइड शीशे मिल जाते हैं। तो ये एक होर फीचर है, ये जिमें स्पीड भी दसदा ट्रैक्टर मीटर दे विच भी किन्नी कि स्पीड से भजदा पिया सड़क पर। इतों यह चीज़ चेंज हो जाती है, इतने घंटे आ जाने, इतों स्पीड आ जाती है। तो बड़ा ज़्यादा सोहना ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया, बिच कैबिन की कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इधर अपना फार्म आ जाता बाई का, जेडे मालक ने इस ट्रैक्टर के उन्होंने, तो बड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोहना ट्रैक्टर है जी। तारीफ जिनी करती है उन्नी ही घट है। इसके बाहर जिमें अपन साइड पर इंडीकेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आउटलुक जी कैबिन की काफ़ी ज़्यादा सोहनी है। बैक के उपर रात को अगर आप काम वगैरह करने पे अपने खेच के उपर दोनों साइड के अपन लाइट का ऑप्शन मिल जाता, तो बटन है जो कैबिन के दिता हुआ है। तो बड़ी सोहनी बड़ी लाजवाब लुक आती है एसी कैबिन जोन डीयर 54.05 CID इंजन की। बड़ा ही ज़्यादा सोहना ट्रैक्टर कंपनी ने तैयार किया, बहुत ज़्यादा सोहना भी अंदर बह के एसी कैबिन के दिल नहीं करता भी आप बाहर उतर आईए। हाँ जी दोस्तों, तो यह सी अज की सारी डिटेल्स 54.05 CRDI एसी कैबिन के बारे, जेडे कंपनी के वलों ही एसी कैबिन इस ट्रैक्टर से लग के आया है। इंडिया के टोटल ये सिर्फ तीन ही ट्रैक्टर आए हैं जेडे एसी लैके आए हैं, एक 50-75 2-54-05 ने। तो बड़ा ज़्यादा सोहना ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया, बहुत ही ज़्यादा जिनी यदि तारीफ करिए उन्नी ही घट है। तो बाकी बाहर की बजाय जो आप पैसा लाने एसी कैबिन के आपां नूं कंपनी तो ही ऑर्डर कर लेना चाहिए, तो वो मेरे जिमें मैं इस ट्रैक्टर अंदर बह के देखे या कुछ भी लगी हुई फिटिंग वेखी है, तो मैं जी मैं एडवाइस देंगे जिन्हें भी लेना है ट्रैक्टर एसी कैबिन बाहर की अगर लवा की सोचता है, तो वो दो पैसे फालतू ला के कंपनी फिटिड ही लवे, तो वो ज़्यादा मतलब वो बेस्ट रहेगा। तो यह अज की सारी वीडियो, ठीक है जी। एवें होर वीडियो वेखने मेरे चैनल सबसक्राइब कर लो, वीडियो वध तो वध शेयर कर दो, वीडियो किवें दी लगी तुहानू कमेंट करके जरूर दस्सिया जे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के बने रहे जी मेरे चैनल के नाल।